वेलकम टू बाली मैंने वेलकम टू बाली वेलकम टू बाली वेलकम टू बाली थैंक यू। तो इस तरीके से इधर रहने लगे होटल में जैसे हम लोग आए तो ये वेलकम ड्रिंक उन लोगों ने प्रोवाइड करा। कैसा लग रहा है पीजिए? कैसा है? थकान दूर हो गया। हाँ, थकान दूर हो गया, थकान दूर हो गया। सच में अच्छा, चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने रूम में चेक इन कर लिया है और वेलकम की मैं बात करूँ तो वेलकम तो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वेलकम रहेगा, क्योंकि आज से पहले मेरा ऐसा वेलकम कभी हुआ ही नहीं है। मतलब बोल सकते हैं एक नया एक्सपीरियंस होता है ना, न्यू कंट्री में न्यू एक्सपीरियंस, सब कुछ नया नया हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। और बाकी की बातें मैं क्या ही करूँ, क्योंकि फ़्लाइट में मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग करा नहीं क्योंकि नींद बहुत तेज का आ रहा था, जो कि मैं सो गई थी। और जैसा जो मैं शूट कर पा रही थी वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और उससे पहले वीडियो मेरा पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियो। और बाली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो कि इमिग्रेशन उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और इमिग्रेशन जैसा जैसा हो रहा था, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं मतलब कोलकाता का इमिग्रेशन को लेकर भी मुझे टेंशन था कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। और बाली में भी मैं पहुँची तो वहाँ भी मैंने पूछा कि यहाँ भी इमिग्रेशन होगा, क्या क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बहुत ही स्मूथली रहा, तो अच्छा रहा, मतलब बहुत ही स्मूथली रहा। ऐसा ही नहीं लगा कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करा, तो बढ़िया था। अब जाते हैं फ्रेश होने के लिए, क्योंकि अभी के हिसाब से यहाँ 3 बज रहा है और इंडिया के हिसाब से देखो तो वहाँ 12:30 बज रहा है। मतलब 2-2.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और यहाँ का बाली में। तो चलिए फटाफट मैं फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश वगैरह भी मैंने नहीं कराया, तो डायरेक्ट फ्रेश हो जाने के बाद मिलते हैं। अगर ऐसा कुछ करेंगे, कुछ भी जो कुछ भी करेंगे, अगर निकलेंगे भी तो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस। तो चलिए मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। वैसे फ्रेश वगैरह होके हम लोग तो होटल के नीचे आ गए हैं, सोचे कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, बट रेस्टोरेंट हम लोग होटल रेस्टोरेंट में भी जस्ट बैठे हैं, क्योंकि बारिश कम होगा तो बाहर जाया जाएगा, बट ये बारिश कम होने का तो नाम नहीं ले रहा। देखते हैं क्या जैसा जो करें। तो प्लान था बाहर जाने का बट बारिश होने लग गया, तो रेस्टोरेंट में आके सोचा कि ये बारिश के मौसम में ये चिकन नगर्स मतलब पकौड़े जैसे है, चलो यही खाया जाए। और तुम्हारा डिश का नाम क्या है? बेसिकली नासिक ओरेंज है। नासिक ओरेंज लोकल मतलब ट्रेडिशनल खाना, ट्रेडिशनल मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब बहुत फेमस है यहाँ पे। जैसे हमारे वहाँ बिरयानी है ना, वैसे यहाँ पे मतलब नासिक ओरेंज बहुत अच्छा है, ट्राई करना है। ठीक है, पहले ये ट्राई करते हैं ये कैसा है। वैसे ये चिकन नगर की बात करो तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अलग टेस्ट लग रहा है इसका। कैसा रहा तुम्हारा खाना? बहुत बढ़िया। बढ़िया, सबसे अच्छा यही है। तुम जो ट्राई कर रहे हो तो कोलकाता में भी मिलता है। अलग टेस्ट है इसका, यूनिक टेस्ट है, ट्राई करके देखो तब बोलना। बैड वर्ड के पापड़ खा रहा है। क्या कर दिया तुम, छाता खोल रहा था कि उल्टा पूरा कर दिया? हेल्प करो ना। क्या किया छाता का हाल? ठीक तो कर दिया, ठीक हो जाएगा तो। हाँ हाँ हो जाएगा, चले गया। तो रूम से निकलने के बाद सोचे थे थोड़ा सा घूमेंगे, लेकिन बारिश का ऐसा हाल है कुछ बोलने का बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा घूमने से ऐसा लग रहा, खाने के लिए हम लोग एक्चुअली निकले थे क्योंकि यहाँ का जो खाना है जज नहीं रहा अपने को, तो इंडियन फूड ही हम लोग सर्च कर रहे थे, तो इंडियन रेस्टोरेंट सर्च कर रहे थे बट मिल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है यार, चाय नहीं मिलता है। और सबसे दिक्कत ये हुई है कि मुझे चाय के बिना रहा नहीं जाता है। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर मिल्क वगैरह अगर मिलता भी है तो पाउडर जो मिल्क होता है वो मिलता है, तो रूम में सोचे कि जाके बना लेंगे। बट देखिए मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो सोचा था थोड़ा घूमेंगे, लेकिन घूमना तो हुआ नहीं। और जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे सारे कैफेज वगैरह हैं, वाइब्स अच्छा आ रहा है, बट यही कि खाना थोड़ा इंडियन, मतलब हम लोग इंडियन है ना, इंडियन खाना ही सर्च कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है कहीं इंडियन खाना। तो अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, यहाँ पे 10:30 शायद बज रहा होगा, और इंडियन के हिसाब से अभी 8:30 या 8 बज रहा होगा। तो यहाँ पे लग रहा है सब, जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट मिल भी रहा है तो सारा बंद हो चुका है। होपफुल है आज तो इंडियन खाना मिलने से, आप देखते हैं कल जैसा जो होता है। तब तक ले स्टे ट्यून गाइस, छाता लेके हम लोग घूम रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल रात में मैं घर आने के बाद जो मैं सोई हूँ उसके बाद एक्चुअली क्या है कि अभी मैं जस्ट फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और ड्रेस वगैरह भी पहन ली। आज हमारा डे टू में मतलब आज हमारा ड्राइवर हम लोग को घुमाने वाला है कहाँ कहाँ कैसे क्या चीज़ें देखने के लिए, तो वो हम लोग जाएंगे। और जैसे कल देख सकते हो मैं फ्रेश वगैरह होके ये ड्रेस जो मैंने शॉपिंग करा था वही मैंने डाल रखा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों ने लास्ट क्लिप देखा होगा, बारिश हो रहा था तो हम लोग इंडियन फूड के लिए इधर उधर भटक ही रहे थे, तो आफ्टर ऑल कुछ मिला ही नहीं एट द एंड में। चलते फटाफट भागते ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा रेडी शेडी हो जाते उसके बाद भागते ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद वीडियो को मैं वहीं से कंटिन्यू कर दो। तब तक लेट्स स्टे ट्यून गाइस। तो फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए और मम्मी का लुक देख सकते हैं अच्छी लग रही है ना। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है क्या नहीं, हम लोग को भाएगा कि नहीं। कल का खाना तो वैसे ही भाया नहीं, हम लोग इंडियन फूड वैसे ही खोजते रहे बट मिला नहीं। तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या, जैसा जो होता है आप लोगों को बताते हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया है, हालांकि पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे बट थोड़ा थोड़ा खा के देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो फाइनल हम लोग ब्रेकफास्ट करके नेक्स्ट ट्रिप पे निकलने में हमारा ड्राइवर आएगा, सांबल सांबल बताएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। Also, I want to, take with me sambal. Best sambal where I can. Same here. I will see and on the Facebook. Maybe there's a lot of people selling the sambal. If something good comes, then eat it. And the most important thing is to eat fruit. Fruit, 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 eat fruit. कोई एक वाटरफॉल है, मैं उसका नाम आपको प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन देख ब्यूटीफुल। अभी घूमेंगे, देखते हैं कैसे क्या करना क्या नहीं करना। ये कौन सा वाटरफॉल मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। तो अंदर आने के बाद देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है जो कि वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत है। अभी नीचे जाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को। वैसे नीचे जाने के लिए पूरी खड़ी चढ़ाई है, वैसे तो चलिए चलते हैं उसके बाद बताते हैं। ये जैसा देख सकते हो वाटरफॉल का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोनाउंस करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी बट है बहुत खूबसूरत। वहाँ पर मुझे एक पिक भी क्लिक करवाना है, वो वहाँ पे हम लोगों को जाना है मतलब उस वाटरफॉल के पास। और सीढ़ियाँ देख सकते हो, स्टेयर्स है। तो वाटरफॉल के पास जाने के लिए वो मेरे साथ रेडी नहीं था, बोल रहे तुम होके आ जाओ, मैं तो वही मैं अकेले जा रही हूँ, बोल रहे मुझे चढ़ने में सीढ़ी में दिक्कत होगा। तो मैं सोचू चलो अकेले ही जाके देखते हैं, तो पहुँच जाते उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। स्टेयर्स की बात करूँ तो बहुत गैपिंग है सीढ़ियाँ, अभी तो उतर उतर के चली जा रही हूँ बट उतरने चढ़ने में थोड़ी सी हालत ख़राब होगी बट ठीक है, एक दिन का बात है, रोज़ थोड़ी ना आ रहे हम लोग घूमने यहाँ पे। रोज आ चुके हैं वैसे फॉल वाटरफॉल के, अभी और थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं तो चलिए चलते। चली तो जा रही हूँ आराम से, बस आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बट क्या करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उसको बोला मैंने आने के लिए, बोल रहा है कि तुम होके आओ मुझे नहीं जाना, तो ठीक है चलते हैं। प्लेस के मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बाली अभी तक, आगे का देखते हैं कैसे क्या होता है। बाय द वे मैं फॉल के पास बहुत क्लोज ही हूँ, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़नी है उसके बाद पहुँच जाएंगे। काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, बस थोड़े से और सामने जाएंगे, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना के फिर आ जाएंगे। तो जहाँ मुझे जाना था मैं अपने मंजिल की तरफ आ चुकी हूँ, बस जाने का ही टेंशन है बट कोई नहीं। और नज़ारे देख सकते हो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, जो कि मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बस बड़ी नहीं है नज़ारे के लिए। वो नहीं आया ना साथ में, आता तो थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह निकाल देता, अब मैं सेल्फीज़ वगैरह लेके निकल जाऊँगी क्या करूँगी। मैं वाटरफॉल के पास आ सकती हूँ, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो भी आता तो अच्छा लगता बट नहीं आया तो कुछ कर नहीं सकते। बस यही है कि मेरा फोटोज़ वगैरह मैं नहीं ले पाऊँगी, मैं जैसा होता है वीडियोज़ आप लोग देख सकते हो उससे मेरा वाटर फॉल। तो चलिए वापस ही चलते हैं, जितनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के आई थी वैसे मुझे ऊपर भी जाना है। तो अब स्टार्ट हो गया असली स्ट्रगल, सीढ़ियाँ चढ़ना।
जितना स्माइल है फेस पे पूरा पसीने से हालत खराब होने वाली है। मोटा को मैंने कहा था या बट आया नहीं, गुस्सा आ रहा है ना उसके बोले क्या। वैसे मैं उसे इसी नाम से बुलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी बॉडी स्लिमिंग वगैरह करे, मैं उसे फर्स्ट डे से वैसे बुलाती हूँ। तो आप लोग कुछ इसका लेकर कुछ गलत कमेंट्स मत करना। तो चलो सीढ़िया थोड़ी सी हालत खराब हो गई यार, ठीक है चलते हैं। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है तो वन टाइम एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, तो वही मैंने कर लिया। अभी ऊपर जाना है, वो मेन टास्क वही है। तो चलिए मैं ऊपर जाती हूँ, जैसा जो हालत रहता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक रेस्ट टेक गाइस। तो हालत तो खराब हो गया पूरा, सीढ़ी चढ़ चढ़ के बहुत था। सीढ़ी का गैपिंग जो होता है ना, चढ़ने में मतलब उतरने में ज्यादा नहीं लगा, उतने में हालत खराब हो गया। मेरा तो धूप में खड़े हो गया, हालत खराब हो गया। इसका चेहरा देखो। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स के लिए आया, मम्मी कहीं बैठा के हम लोग गए। हम नहीं गए सीढ़ी, लेकिन इनके लिए हम नहीं गए। हम लोग के ठीक है, तुम लोग जाओ। दैट कूल। तो वही हम तो आ गए, पता चल रहा है। और चलो चलो बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस टाइप की जगह में पहले भी गया हुआ हूँ, हमारे इंडिया में इससे बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल है, डायरेक्टली बोल। तो क्या हो गया, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हैं ना। इससे था ना, एक तो सिक्किम में एक है ना बंजाकरी वाटरफॉल, वो तो और भी कमाल का है। अमिताभ बच्चन वाटरफॉल, वो सब मैंने देखा हुआ। मैं बोला चलो ठीक है भाई, इतना शरीर को अपना तकलीफ नहीं देना। ऊपर से फोटोज वीडियो आईफोन 13 है भाई, बाबू भैया पूरा वो जूम करके आ जाता है। बाकी पानी का नहीं, नहीं, ये नहीं। 20,000 इंडोनेशियन रुपीस। 20,000, अब कोई कोई इंडियन सोचेंगे कि 20,000 का पानी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करते, रिलैक्स करने के बाद फिर बैठेंगे कार में, फिर जाएंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोगों को बताएंगे। विलेज है, विलेज कोई विलेज में जाना है, मैं नाम तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, सो फाइनली हम लोग अभी वाटरफॉल से निकल चुके हैं और अभी नेक्स्ट स्टॉपेज है बाली स्विंग बोल के यहाँ पे कोई प्लेस है, तो चलिए चलते हैं। जैसा जो होता है आप लोग साथ शेयर करेंगे। फाइनली ये बाली स्विंग बोल के जगह यहाँ पे पहुँच चुका है, जैसा जो करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। मम्मी आ रही है, चलिए। तो जैसा कि देख सकते हो ये सारे स्विंग है जो कि लोग सारे कर रहे हैं, मेरे को भी करना है, तो क्वाइट आई एम एक्साइटेड टू डू दिस। चलिए जैसा भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक्साइटेड तो थी जाने में, बट देखने से मुझे अभी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या फेस करेंगे। बोलेंगे एक दो बारी करके छोड़ दो भैया, अभी मेरे को थोड़ा डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर वैसे बहुत तरह की स्विंग करने के ऑप्शन थे, ये जैसे कि बेड स्विंग है और ये मैंने करा, जबकि ये मैंने स्विंग करी तो मेरी फटी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी मैं। और यहाँ पे कुछ कपल स्विंग हो रहा है, रोमांटिक स्विंग हो रहा है, बहुत सारा ऑप्शन था, तो मैंने बस सिंगल स्विंग ही करा। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन पहली बार था ना तो डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो ठीक था। अभी बैठे हैं कुछ खाने के लिए, भूख भी लगी है, तो जैसा जो करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। अच्छा लग रहा है, अभी तक का तो मैं अपना ट्रिप अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। आगे और भी बहुत सारी जगह है जहाँ जाना है, तो ये बाली स्विंग बढ़िया लगा। बस थोड़ा सा मतलब जो झूला रहे थे ना वो सिंगल स्विंग जो मैंने लिया, अंदर से डर लग रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी एकदम स्लो स्लो करो, डर लग रहा है। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा ही था।
खाने के लिए, अभी वॉशरूम जाना था तो मम्मी वॉशरूम अभी हम लोग भी वॉशरूम से जाने के बाद वीडियो कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर मैंने इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ देखा है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या देखा इंटरेस्टिंग चीज़। सबसे यूनिक लग रहा है देखने में, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मुझे यूनिक लग रहा है इसलिए मैंने ये अपने कैमरे में कैद कर लेना ज़रूरी समझा। बाकी बेस्ट, तो ये पिज़्ज़ा मेरा आ चुका है हम लोगों का, मेरा मम्मी का, और साथ ही ये लेमन टी, तो इसको पी के देखना होगा, बस अच्छा होना चाहिए। और ये पिज़्ज़ा तो दिखने से बहुत बढ़िया लग रहा है तो इसको भी खाएंगे अभी, और साथ ही साथ बारिश भी हो रहा है। कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही इकलौते यहाँ बैठे हुए हैं, तो फटाफट फ्रेश कर लेते हैं उसके बाद मैं निकलना पड़ता है।